मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सब गलतियों को माफ़ कर रही हूँ। तुम बस इतना करो, तुम्हारे मन से उठती आवाज़ मुझे पुकार रही है और मुझसे कह रही है कि तुमसे कोई गलती हो गई है और मैं तुम्हें उस गलती के लिए माफ़ कर दूँ। तुम्हारी आँखें आंसुओं से भरी हुई हैं, तुम मेरे सामने खड़े होते हो और अपने हृदय की भावना ऐसे ही कि जो हो चुका है उसे अब तुम अपने जीवन में कभी नहीं दोहराओगे। अपने आप को इन गलतियों को करने से रोक लोगे, अपने जीवन को ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करोगे, अपने हृदय में बनी गठान को खोल दो। तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकलना होगा। मैं तुम्हारे हृदय की बात को समझ रही मेरे बच्चे, जो तुम मन ही मन ये सोचकर डर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा दूंगी तो तुम ये भूल गए। मेरे बच्चे, जब डरता हुआ मन अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो फिर व्यक्ति आने वाले जीवन में दोबारा ऐसे गलती नहीं करता, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कपड़े को धोकर उसकी मैल निकल जाती है और वह कपड़ा साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी ऐसा ही बन चुका है। मेरा स्वयं तुम्हारे हृदय में वास हो चुका है। अनजाने में की गई गलतियाँ और जानबूझकर की गई गलतियों में अंतर होता है। जो जानबूझकर गलती करता है वह घोर पाप का भागीदार होता है और अनजाने में की गई गलती माफ़ी के योग्य होती है। इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात, अपने जीवन में हमेशा के लिए गांठ बांध लो। तुम रात्रि में हर रोज सोने से पूर्व अपने इष्ट देव को यह बोलते हुए सोना कि दिन में अनजाने में कोई गलती या भूल हो गई हो तो उसे माफ़ कर दें। इसके साथ ही तुमने जो ये काम किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस तरह तुमने घर की साफ सफाई की है उसी प्रकार अपने हृदय रूपी घर को इस बात के लिए पूर्ण रूप से साफ कर लिया करो कि आगे आने वाले समय में तुम भूल कर भी ऐसे गलती नहीं करोगे। मैं तो क्या, कोई भी देव तुमसे नाराज हो या कभी तुम्हारे हाथों अपमान हो, यह शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ कि आगे आने वाले समय में तुमने यही इच्छा अपने हृदय में उत्पन्न की है उसके अनुसार तुमसे कोई भी ऐसे गलती नहीं होगी। तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे मेरे बच्चे जिससे मुझे क्रोध आए। अब तुम एक ऐसे राह से गुजर रहे हो जिसमें तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है, जिसका समय अति निकट है। हर एक कदम के साथ समय नई दिशा में चल रहा है, ऐसी दिशा जो तुम्हें एक नए मुकाम पर
ले जाएगी, जहाँ पर तुम्हारे लिए पहले से सब कुछ बेहतर और सुंदर होगा। निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। यदि तुम सही दिशा में कार्य कर रहे हो तो तुम्हारा मन लगाकर कार्य करना फलीभूत हो जाता है, पर यह सब एक ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर तुम सब कार्य सही करते हो तो निश्चित ही तुम सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हो। ये ऊर्जा तुम्हें एक शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हारे सही दिशा में चुनाव करते समय तुम्हारी सहायक होती है। मेरे बच्चे जीवन में सभी गलतियां करते हैं, लेकिन जो इंसान गलतियों की माफ़ी मांगकर आगे बढ़ता है और स्वयं को गलतियां करने से रोकता है, वही सही इंसान होता है। उसके जीवन खुशियां हर हाल में आती हैं, जिससे कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर